वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रेचेट स्क्रूड्राइवर सेट 11 ब्रांड का, और ये 30 पीस का आता है। तो यहाँ पे मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। तो इसका प्राइस मुझे 280 पड़ा, इसलिए मैंने इसको लिया। और नॉर्मली ये सब प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा ही होता है, 500-600 तो नॉर्मली होता है। और यहाँ पर आपको सॉकेट भी मिल जाता है, यह चीज़ बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर सॉकेट का मतलब छोटा छोटा बीट वो सब मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से टी हैंडल था, तो देखते हैं उसमें ये पार्ट यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, इसका साइज़ कितना है। तो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा ऐसे लॉक देते हैं, तो यहाँ पे रेड कलर का छोटा लॉक था जो मुझे दिखाई नहीं, और इसको खोलने में थोड़ा हालत ख़राब हो गया। बट नॉर्मली ये खुल जाता है, स्क्रू ड्राइवर से ही खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो बॉक्स का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो प्राइस मैंने पे किया और ब्रांडेड एक कंपनी है तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको इतना सारा बिट मिल जाता है, मतलब कंप्यूटर खोलने का बिट, ऑटोमोबाइल में यूज़ करने का बिट सब मिलता है। इसका बैक साइड में डिटेल देख लीजिए, 1000 रुपये का ऊपर इसका MRP है, और यहाँ पर यह सब बिट मिलता है। अगर ज़्यादा नॉलेज है तो देख सकते हो। और ये टी हैंडल था, तो ये मैंने खरीदा था अराउंड 50-70 रुपीज़ होगा। तो वहाँ पे देख लेते हैं इसको लगा के। तो यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर है, ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन लगा के आप लोग इसमें सॉकेट का ये चीज़ फिट कर सकते हो। तो ये सॉकेट फिट कर दिया मैंने, ये 10 mm है हाईएस्ट। और यहाँ पे देख लीजिए, ये टी हैंडल में डायरेक्ट फिट हो गया, ये 1/4 साइज है ये सॉकेट का। और ये दूसरा किसी में फिट कर सकते हो। अगर आपको कोई हैवी ड्यूटी चाहिए तो एक टी हैंडल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर में इतना प्रेशर नहीं होता, वैसे भी ये रेचेट ख़राब हो जाएगा ज़्यादा जोर लगाने से। और स्क्रू ड्राइवर भी फिट हो जाता है, ये जो 6 mm आपका सॉकेट है, तो 6 mm में स्क्रू ड्राइवर फिट हो जाता है। थोड़ा टाइट होगा बट परफेक्टली काम कर सकते हो, आप गाड़ी का पार्ट भी खोल सकते हो अगर ज़्यादा प्रेशर चाहिए। कंप्यूटर में काम करना है तो ये नॉर्मली आपका हो जाएगा, तो इतना झमेला नहीं होता, ये नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर आपका काम कर जाएगा रेचेट। तो ये लगा के आप छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर का बीट लगा सकते हो, इसके लिए भी एक अलग एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे रेचेट सिस्टम है, मतलब ये देख सकते हो कैसे घूमने का सिस्टम है, आप पकड़ के भी घुमा सकते हो। यहाँ पे 2 डायरेक्शन है घुमाने का, आपको टाइट करना या लूज़ करना है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्शन घुमा के। वो प्लास्टिक का ही है, तो प्लास्टिक का इसलिए टूट भी सकता है अंडर का कोई पार्ट, तो इसलिए मैं इसमें हैवी ड्यूटी यूज़ नहीं करूँगा। और इसको मैं ट्राई किया था एक्टिवा में, बट इतना परफेक्टली काम नहीं किया गाड़ी में, स्क्रू ड्राइवर वाला पार्ट काम किया। अगर देखता वो स्क्रू ड्राइवर से सॉकेट लगाना, तो सॉकेट यूजलेस है, एकदम यूजलेस है। ये सॉकेट का जितना चीज़ है, मतलब जो मैं आपको दिखाया टी हैंडल पे 1/4, ये चीज़ स्क्रू ड्राइवर में लगाने यूजलेस है, क्योंकि काम होता भी नहीं है, स्क्रू ड्राइवर में इतना जोर नहीं है। अगर ज़्यादा प्रेशर लगाना जाओ तो टूट जाएगा अंडर का रेचेट का सिस्टम। तो आप इसको नॉर्मली प्लस माइनस वो सब लगा के यूज़ करना बेटर होगा, और कंप्यूटर में तो परफेक्ट प्रोडक्ट होगा ये चीज़। तो मैं गाड़ी में ट्राई किया, क्योंकि थोड़ा एनर्जी लगता है, कंप्यूटर में तो कोई एनर्जी का चीज़ नहीं होता, इतना जोर लगता भी नहीं, गाड़ी में सब चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर टाइट होता है। तो यहाँ पे ये स्क्रू ड्राइवर खुल गया एयर फिल्टर का। और यहाँ पे मैंने ट्राई किया था गाड़ी का हेड, मतलब हेड का जो टॉप होता है, जो आपका जो कैमशाफ्ट होता है वो वाला एरिया खोलना ट्राई किया था, बट खुला नहीं इससे, और थोड़ा भी बोल्ट लूज़ नहीं हुआ इससे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होता है। और ये स्क्रू ड्राइवर से उतना टाइट चीज़ खोलेगा भी नहीं, वो भी 10 mm था। तो टी हैंडल से थोड़ा बहुत लूज़ हुआ, बट इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा मूव भी नहीं हुआ। तो ये सब में पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मेन चीज़ में आता है किसको लेना चाहिए। तो अगर आपको कंप्यूटर का काम चाहिए, हाउस होल्ड काम चाहिए तो ले सकते हो। अगर ऑटोमोबाइल के लिए खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा एक साथ में टी हैंडल ले लीजिए, वो आपको लोकल टूल का दुकान में मिल जाएगा, हार्डली 100 रुपीज़ लेगा, और इसका सॉकेट स्क्रू ड्राइवर वो सब यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, तो उसमें कोई लॉस नहीं है। सो गाइस, मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।